श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महाराज स्वाम ज कुमारी श्यामायुग पल पल करुणाम पल पल देवरा है दिखाने के वास्ते किन किन के लिए, क्या एक रूहों के वास्ते और एक मोहम्मद के वास्ते। अरे ये मोहम्मद कहां से आ गया और ये मोहम्मद है कौन, इसको समझ लो। सारे खेल की समझ लेंगे ऊपर क्या आया है कि नूर जलाल हाथी और रुकों के वास्ते खेल हुआ। ठीक है, ये कुछ और है जो भाई दोबारा पढ़ू, ये याद है। ऊपर का जो बेवरा है जो भाई क्या बता रही है कि नूर जलाल ध्यान दो वास्ते नूर जलाल के, जो समझ रहे हैं वो जरा बोलते चलो कि भाई, और जो उनको समझ नहीं आ रही उनको वैसे बैठने दो, और जो सो रहे हैं उनको सोने दो। हाँ कहोगे जी सो भी रहे हैं, हाँ अभी रहने ध्यान दो। वास्ते नूर जलाल के, नूर जलाल कौन है अक्षर, ठीक, और किस और हादी रोहन्ना इनके वास्ते है ना, ये कोई और तो नहीं अक्षरम श्यामा जी और अगली लाइन है खाली लोहों को रखा है, दो को गुम करके एक मोहम्मद लिखा है। अब समझ जाना मोहम्मद कौन है। तीन का नाम है ना ऊपर रूह है हादी और नूर जलाल नक्षत्रम। अब लो पकड़ो बात को, बहुत बेवरा है खेल में, इन तीनों का बहुत बेवरा है किसके लिए, किया मोहम्मद रूहों देखन, मोहम्मद रूहों को देखने के वास्ते राजी कहते हैं मैंने इस खेल में बहुत बेवरा कर रखा है। अब ये बताओ अक्षरम कहाँ गया और हाथी श्याम जी कहाँ गए, और एक नया आ गया बीच में मोहम्मद जो पहले ना खिलवत में था ना वैदत में था। अब बनाओ ये कहां से आया, जिस दिन ये बेवरा समय लग जाएगा उस दिन राजू के पहचान मुझे। ये है पंचरोशनी का पिता, क्यों के सुंदर शादी अक्षर कौन है वो भी मोहम्मद है, और हादी श्यामा जी कौन है वो भी मोहम्मद है, और खेल को रचाने और बना के मिटाने वाला भी खुद मोहम्मद ही है, खुद राजी का राजी मोहम्मद, अक्षय ब्रह्म मोहम्मद और श्यामा जी मोहम्मद, तीनों मोहम्मद है या कोई चौथा भी है। इन तीनों के ही सूरत का बेवरा जहां आता है या कोई और आता है समझ में आ क्योंकि वो इस सत्ता का मालिक है, तो सत्ता के मालिक को ही हुक्म का स्वरूप बना करके यहां भेजा गया। लेकिन किस वक्त भेजा गया, ना हाथी है और ना रुपये, तब भेजा कि तुम जाओ और जाकर के जरा सूचना अपनी दुनिया में दे दो कि अल्लाह ताला अपनी उम्मत के साथ जो है आ रहे हैं। अब उनकी आदम हाथी है, साथ राजी का जोश आता है जो आकर के इस दुनिया को जाहिर करता है, और
जो इंसान सचेत होकर के सुंदरता जी, जो इंसान मानव मानव का कभी नहीं जानते थे, मानव का तन लेकर के पशु पन अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो अरब की जनता थी। नगर नहीं थे, शुद्ध नहीं थे, जिस दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था अपने ही बच्चों को कच्चा फार करके खाते थे। ये इतिहास लिखा है कुरान में, हम नहीं कह रहे, जिसने पढ़ना हो कुरान बदली के पास आके पढ़ लेना। मोहम्मद साहब जब अर्ब में आए तो ये जीवन था, कोई क्यों नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई फल नहीं, और खाते किसको थे, जंगली जानवरों को, बिल्लियों को, बिलौरियों को पकड़ के, जानवरों को पकड़ना, छीलना छोड़ना भी नहीं, घूमना भी कितने कच्चा, जैसे मूली और गाजर हम लोग सलाद बना के खाते, ऐसे कटर कटर करके खाते थे, बिल्कुल वैसी जीवन मानव का था। अब बताओ ऐसों को ज्ञान देना है तो मैं सागर का विकर्मा कराते कि मैं सागर की विकर्मा कर सोच। क्या ऐसे जानवरों को, तो अगर खुदा के रास्ते पे जाना है तो पहले जानवर से हैवानियत को हटा के क्या बनाना पड़ेगा, मानवता का ही ज्ञान देना पड़े। तो जो कुछ मोहम्मद साहब ने उस तन में आकर के किया, मानवता के वास्ते किया, ना कि ब्रह्म सृष्टि के वास्ते कुछ किया। उनको मानव बनाया, उनका खाना पीना लिमिटेड कर दिया, और बिल्कुल पशुओं की तरह से उनके जो भोग थे उनको बंद करके लिमिट में बांधा। उनको इतनी तमीज नहीं होती थी, माँ क्या है, बहन क्या और पत्नी क्या, ये भेद भी उनको नहीं था जो मोहम्मद साहब ने आके सिखाया। और उसके बाद उस जगह पर ये यहूदी लोग, या वो मानव बने, तो अब उनको बंदगी सिखानी है, भक्ति सिखानी है, खुदा के रास्ते पर चलाना है। तो जो वहां के सृष्टि उतर कर पैगंबर उतर कर नहीं बता सके, वो मोहम्मद साहब ने आकर के उनको शरीयत का एक डंडा, शरीयत का मतलब डंडा, दंड जिसको कहते हैं भोगना, उस तरह से ये कर्मकांड और शरीयत है कि इतना हिस्सा तुम्हें अपने धन का देना पड़ेगा, साल में 40 रोजे रखने पड़ेंगे, ये उनका विधान है शरीयत का, और 5 वक्त दिन में नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो नहीं पढ़ेगा खुदा ताला काजी बन के बैठेगा। यहां लोग कितने दर कुरान में लिखा है कि ऐ मुसलमानों, अगर शरीयत नहीं पालोगे तुम्हारी खलड़ी उतारी जाएगी, फिर तुम्हें दोजख की आग में डालेगा खुदा, फिर तुम्हारी खलड़ी उतारेगा, फिर जो है भट्टी में डालेगा, 40 बार तुम्हारी खलड़ी उतार करके दोजख की भट्टी भी डाला जाएगा यदि तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे। बोलो जहां इतना डर दिखाया जाएगा वो 5 वक्त नमाज आदमी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। हम प्यार से लाख बार कहने सुंदर साजी, संध्या आरती राजी महाराज की आरती है, आराम से पढ़ो, राजी मेहर करेंगे। तो हम क्या कहते बाहर में जाए राजी की आरती, हम तो सैर करने जाए। अगर हमारे ऊपर भी ये जनता तो था कि तुम्हारी खलड़ी को लूमे पीसी जाएगी, एक भी नमाज करता ना पता ना, पहले आरती कर लो फिर सैर करने जाएंगे। अब राजी अच्छा थी, अपनी अंगना भाव से रिजाना हमें भारी लगता है, शहर अच्छे होती है। बड़े बड़े साधु लुटेरे जो बड़े रहते हैं, हम रात जा रहे थे किसी चीज का पता करने के लिए, एक महात्मा जी महाराज आ रहे थे जिनको हम कभी कभी कुछ कह रहे जाला था, तो उन्होंने मेरे से लिया, लेकिन उनकी बेटी भी बड़ी जल्दी हो जाती, शायद आगे एक दो दिन रहेंगे कि नहीं, प्रवेश हो रहे हैं कि नहीं, सुनने रहे अपने मस्त बैठे आखिर में नहीं चलेगा, सैर करने जाए। इसलिए मोहम्मद साहब ने उन पशुओं के रास्ते, शरीयत किनके लिए होती है बोलो, शरीयत ढोरों के रास्ते होती है। इंसान का होता है ना मलकी सुगंध, देव बुद्धि जो होती है वो राक्षसी बुद्धि है, आसुरी के रास्ते कर्मकांड है, दंड का ज्ञान है, दंड की भक्ति है, सदा की भक्ति है। ये हिंदू लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इनको भी सदा है, मुसलमानों को भी सदा है। कर्मकांड का मतलब क्या है कि दंड भोगना, फर्ज बंदगी करना, एक सजा भोगना, भय करके जो है। तभी तो दूसरे जाति ने लिखा, भय बिन प्रीत न होत दुसाई, प्यार से प्रीति नहीं होती, दंडे से प्रीति होती, प्यार से तो सब पशु बनते हैं, क्योंकि ये बुद्धि हमारी ऐसी है, ये समझने ही नहीं देती इन बातों को कि प्यार क्या होता है और मार क्या सकती है।
ये फर्ज बंदगी जितनी भी है शरीयत उन पशुओं के वास्ते रखी और उनके ऊपर इतना डर जब रखा तो उस डर की वजह से सारे पशु क्या बन गए, मानव बन गए, बशर बन गए। अब उनको जिसने बशर बनाया तो उस ताकत का शक्ति का क्या नाम पड़ा, बशरी। ये है उसकी बशरी का। लेकिन कहां की बशरी बनाया कि दुनिया के देवी देवतों पर कुरान और फर्ज जितना भी था नमाज का, बंदगी, माला, ज़कात वगैरह, वो इन पर ना करा करके इन पर कराया कि अल्लाह ताला वाहिद एक खुदा है जिनके ऊपर तुमने बंदगी करनी है। एक तो 14 तबक के देवी देव और छूट की पूजा से छुड़ाया और एक मानव पशुता से मान्यता सिखाई और तीसरा जो भी बंदगी चाहिए किसके नाम पर, श्री राजी महाराज के नाम पर, और चौथा जिसलिए उनको भेजा था कि दुनिया वालों को मेरे आने की भी पूरी सूचना दे। ये बशरी का था। एक किसने अक्षर की आत्म, अक्षर की आत्म ने दी। हमें मोहम्मद से मतलब क्या है, पर क्योंकि जब से दर्शन लिया किसी ने समझा ही, इतना जहर का टीका जरूर लगा। नहीं 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 नहीं, स्वामी जी ने एक पॉलिटिक्स के दिखाए आए कि है शास्त्रो तुम्हारी जुबान उसी समय आरी से काफ करना दिख गया है जो ये शब्द लगाते हैं कि स्वामी जी ने पॉलिटिक्स के, वो है हमारे गुरु, वो करते हैं भारत की चर्चा और हम उनके चरणों में जुटते हैं। दोनों ऐसे ऐसे हमारे जब अगुए होंगे हम उनकी चूचली पकड़ के चलते हैं, उनके जयकारे करते हैं, उनको गुरु बना रखा है हमने। जो ये कहते हैं ब्राह्मणा जी ने पॉलिटिक्स चली थी, अरे उस वक्त औरंगजेब का राज था यारो, उन्होंने ये पॉलिटिक्स करनी थी, औरंगजेब को जो है शिष्य बनाना चाहते थे पर वो बना नहीं, उनकी पॉलिटिक्स में भी वो फेल हो गए। उनके दर्शन करा था ना तला है इतना पकड़ बांधा हुआ था, दूसरी लंगोटी कर रखी होगी कि नहीं होगा पहचान जाना योग में से एक यही आ रहे हैं उनमें से ये थे। अब कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद नाम का शब्द निकाल दिया जाए क्योंकि उनको शुद्ध आनंद, उन्होंने कभी वाणी बैठ के मंत्र करनी है, उन्होंने सुबह से उठ करके किसकी पूजा करनी है, इनको छुप छुप करके देखो। यहाँ एक दृश्य मैंने तुमको उसका दिखाया नहीं था, ऐसे बड़े पवित्र बड़े परमहंस नाम के योद्धा श्री यहाँ पर बता दे लगे बेचारे नल को चटकाने के, उनको बेचारा नल बहुत मैला हो गया था, उन्होंने एक अपना बहुत ही रखा था, क्रिसमस इसको चमका खूब चमकाया। क्या दर्शाया कि हम खुद नल का पानी देते थे, लेकिन चरण सिंह बैठे था कहने के महाराज जी ये ऊपर से तो साफ हो गया, अंदर गोपी जो है वो कैसे साफ हो गए, कहने वो तो नीचे है ना, वो तो नीचे है, तो जल किसका रगड़ के खा रहा है, है? तो चमड़े की बोकी ही नल पानी पिला रही है या कोई और पिला रही। सुंदर संत जब ऐसों का सहारा पकड़ोगे, बुद्धि बिल्कुल क्या इसका चलांजलि कर रखी है कि वो हमें कहां ले जाएंगे। कभी इसके भाई को भी पढ़ लिया होता बैठे सतगुरु हुए थे, बैठे सतगुरु हुए थे, अरे आश करें शिष्य करी आप डूबे शिष्यन सहित जाए पड़े अंधे कूप में, कूप अंधेरी जो अंधा कुआं होगा, एक तो कुआं होगा और दूसरा वो अंधा कुआं होगा जिसमें वो गिरेंगे, शिष्य उनके साथ जाएंगे, क्या खोपड़ी काम नहीं करती। और हम प्राणनाथ को पहचान चुके हैं, तभी तो मेरा प्राणनाथ कहता है अजू आपन नफी और हम कहते तो हैं कि हमने पहचान लिया है, वो कहते ना अजू आपन नफी और क्या, जो वो विचारी मन अपने अपने मन में छाप करके देखो, अभी तक तुमने प्राणनाथ को पहचाना नहीं है। अगर प्राणनाथ को पहचाना होता तो अगर हम उनकी स्वरूप के पास है, जो लोग ना चीनो मोहम्मद को इसी के भाई के संदर्भ में दूसरी के भाई जो लोग क्या मतलब ज्यादातर अंतिम और जो भाषा का वो भी ये अनुसूचित और
जब तक आप मोहम्मद को नहीं पहचानोगे, जो लोग ना चीनो मोहम्मद को, तो लो सुध ना जमाने, तुम्हें जमाने के लिए सुध नहीं पड़नी, ना सुध बच्चा संधान की और ना दुनिया की, ना नफे की और ना नुकसान की। इसलिए पहले किसको पहचानना चाहिए? मोहम्मद को। अब बाबा मोहम्मद शब्द का एक पुरका है, एक पर्दा है, जिसके अंदर आके पहले अक्षर बैठेगा और फिर श्यामा जी बैठ जाएंगे और फिर राजी बैठ जाएंगे। हम उस पुरके को देख रहे हैं, उनको पहचान नहीं रहे, इसलिए राजी के दुश्मन हम खुद दुश्मन बने, उनके नाम को उजागर करने की बजाय उनके नाम को मिटा रहे हैं और व्यास के नाम को चमका रहे हैं। राजी का नाम खोटा है, व्यास का नाम उजागर करो, मंदिरों में भागवत का उच्चारण करो, सुंदर साथ तुम तो जागो। जिनको राजी अपनी अंगना मार करके कर्मों में ले रहे थे, क्या तुम्हारी बुद्धि भी अब काम नहीं करती? किस तरह का व्यवहार तुम करते हो? और सुंदर साथ एकदम अपनी रहनी को बदल डालो। स्वामी जी का सम्मान थे, मेरी वाणी को देखने से पहले दुनिया तुम्हारी रहने को देखे, तब तुम्हारे प्रेम से जो है, तुम्हारे व्यवहार से जो है, तुम्हारी चाल से जो है, तुम्हारे यकीन से जो है, लोग भागे चले आएंगे, उनको वाणी की वो भी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बोलो अब राजी के रास्ते में आ रहा है तो हम लोग हैं या कोई और है? क्योंकि जो तो मुनकर है, हम क्या बताया था कल वाली का मत बोलो, मुनकर मुनाफिक और मोमिन, मोमिन मुनाफिक और मुनकर जो है, तो जो तो मुनकी है वो तो रहने दो, हम तो मुनाफिक ना बने। सुंदर साहब क्या कहना चाहिए राजी के गुरु को? अरे बाबा ये बताओ, ये कौन सा ब्रह्मांड है? मिथ्या नट ब्रह्मांड, मिथ्या मैंने मिटने वाला, नक मैंने नाटकीय रूप का एक ब्रह्मांड राजी ने रखा है। इसमें तुम्हें हीरोइन का पात्र दिया है, खुद हीरो बन के आए हैं, तो नाटक के अंदर एक ही हीरो हमारी टीवी के चित्रों के अंदर कितने रूप धारण करता है और उसका रोज नया नया नाम रखा जाता है, वही रखा जाता है। सपोज कोई हीरो ले लो, महेंद्र सुरेंद्र कोई भी, अब जब वो पिक्चर में पार्ट करता है तो महेंद्र के नाम से करता है, आगे जिस हीरो की स्टोरी होगी उसी के नाम से करेगा। दूसरी पिक्चर में एक ही टाइमर, उन्होंने छह छह पिक्चरों में काम कर रहा है, कहीं वो कन्हैया लाल बना हुआ है, कहीं वो जेब पुत्रा बना हुआ है, कहीं वो मुजफ्फर का पार्ट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इसी तरह से मेरे सुंदर साहब राजकी वही है तुम्हारे, कहीं मोहम्मद बने बैठे हैं, कहीं चंद्र जी बने बैठे हैं, कहीं प्राणनाथ बने बैठे हैं, और नाम अपना मोहम्मद क्या रखा है ताकि कोई मेरे स्वरूप को पहचान करे नहीं। ये मुझे बता दें, हम उस दिन पहचान जाएंगे जिस दिन हम हिंदू ना रहेंगे। ओहो बात चलो भैया, यहाँ मुझे सम्मान बनाएंगे, ना 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 ना, ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, ये दिन नाटक के दिन है। परमधाम से हिंदू आया तो मुसलमान, देखो मैंने कई बार कहा सुंदर साहब मैं आपको कष्ट देने नहीं बैठा, 25 किलो क्यों खर्च कर दो, 10 ग्राम खर्च करो, एक सिर 25 किलो का खिलाते हो ना, कितना कष्ट होता है, तुम्हें नहीं होता मुझे होता, 10 ग्राम की जितना ले ना शरीर ना शरीर ले बस केवल बोलो मुसलमान। परम धाम से हिंदू आए कि मुसलमान कोई नहीं आया, तो फिर तुम किस बात की तकलीफ? अरे बाबा यह हिंदू शरीर नाटक का है और मुसलमान शरीर नाटक का, यही तो प्रजा रहे हैं, और कौन इनको बेचारे की उतार नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म कांड शरीयत की शरीयत में फंसे हुए हैं। तुम्हारे पास उनकी मार्फत की दी है जो दोनों में कर्म को हटा सके, अपनी आत्मा को पहचानो, तो साक्षी तुमको यहाँ के ग्रंथों से मिल जाएगी कि आत्मा गुण अवगुण कर्म कांड इन सब से परे। तो फिर बात करना होगी, फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? मोहम्मद कहे या देवचंद्र कहे या शाफी कहे या अल्लाह ताला कहे, ये तकलीफ हिंदुओं को होनी चाहिए या मुसलमानों को होनी चाहिए? हम शरीर से ही तो हिंदू मुसलमान थे, आत्मा कौन है? परमधाम में बोलो भी जनगणना कर करके कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई,
तो माता जी के जिम्मे लगाता हूँ, आजकल गणना हो रही है, गिन करके बता दीजिए 12,000 है ना, उनमें से कितने हिंदू है कितने। वो सुंदर था जागो, जब तुम्हारा सब कुछ बन के खुद राजी आए थे तो तुम दूसरों के पीछे क्यों चलते? वाणी कभी पढ़ो ना तो संशय मिलना, खुद से ही प्राण राजी जिनके आज लगता झगड़ा हो रहा है। प्राण के गुरु देवचंद्र, प्राण के गुरु देवचंद्र हो गए, नाम देवचंद्र गुरु है। मंत्री का थी वो क्या कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी हो गए निकल। पर वो ना वाणी पड़े ना शब्द से बाहर निकले ना हमें निकलने देते। अब ये कहने कहा कि सतगुरु मेरे श्याम जी, ये श्यामा जी अंदर बैठी कह रही कि मेरे सतगुरु श्याम ईशान वाला पैसे जामे तो दूसरे जामे में पहुंचाई के मिले तो सतगुरु श्याम जी है। तो जब उनके सतगुरु श्याम जी तो 12,000 के सतगुरु कौन श्याम जगह में कहा जुटता है। पर वाणी को मंथन करने सुंदरता की कितना होता। आज जब हमने सबक की गांठ लगी उसको फिर कहता हूं वो सबकी कमाई नहीं है क्या, वास्ते नूर जलाल के और हाजी एक आया दो आए कि तीन आए। बड़ी मुसीबत है। अच्छा फिर सुनो, वास्ते नूर जलाल के कितने हो गए, एक का नाम आया है कि नहीं आया, अब दो और आगे हैं, और हाथी रोहन आदि कौन समाजी और रूपे कौन रोहन, तीन तीन पार्टियां होगी। अब इसमें एक अगले चरण में एक का नाम है, दो का नहीं है, वही मोहम्मद है, पहचान में मतलब क्या है। अक्षर ब्रह्म राज का सख अंग है और श्यामा जी एक दाया है एक बाया है, झगड़ा दाएं बाएं में है कि जिसके दाएं बाएं है उसका भी कुछ है। या तो कह रहे हो दाएं तू बहुत अच्छा तू रोटी खिलाता है लेकिन बाएं को काट रही काटा है कोई तो फिर क्या कहलाएगा लंगर किसी के लगेगा। अरे भाई उनको जितना दाया प्यारा है उतना ही बाया है, यही तो दिखाने के लिए यहाँ पर हमको लाए हैं ताकि मेरे आनंद अंग को पता चल जाए कि मैं आनंद का स्वरूप ही नहीं हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। अब इन से जानो जो सुख श्यामा जी का है उस सही सुख जो है सत अंग के पास है, क्योंकि साईं का माला कौन है बोलो, घर में आप किस मार बचे कहा बनते करो, बाहर राज किसका है श्यामा जी का है या अक्षर का है, तो शोभा किसकी हुई अक्षर की के श्यामा जी की, ये दिखाने के लिए समय यहाँ नहीं करते हैं। हमें अक्षर से रह गए, अक्षर का नाम अच्छा लगता नहीं, जितने यहाँ भी बैठे हुए सुंदरता से अक्षर के प्रमोशन को अक्षर की शायरी को कोई जानता ही नहीं, अक्षर का नाम लेते हैं। राज किसके में बैठे हो, ये राज्य महाराज का सत्ता का स्वरूप है, ये समय राज्य सत्ता के स्वरूप में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं अक्षर ब्रह्मन, और जिस समय तो आनंद के स्वरूप में प्रवेश होते हैं तो समय उनको क्या कहा जाता है श्यामा महारानी। उनके दिल का स्वरूप जो है वो क्या है आनंद श्यामा जी उनको कहते हैं, और उनका तेज साहबी जला जी का जो स्वरूप है उनको क्या कहते हैं अक्षर ब्रह्म कहते हैं। बोलो अंतर क्या है, ये शब्द है ये कांत है यहाँ पर लगी हुई है कि तीनों के वास्ते हुआ। आप समझे आगे क्या कहते हैं, बहुत बेवरा है खेल में बहुत बेवरा, क्योंकि तीन सोचों का बेवरा आएगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे किस किस का बेवरा है। या मोहम्मद रूपों देखा किसके वास्ते मोहम्मद, अब दोनों को एक करके जांच करके क्या बना दिया मोहम्मद, श्यामा जी को और अक्षर को क्या बना दिया मोहम्मद, और रूहों ने सदा रूह ही रहने उन्होंने मोहम्मद कभी नहीं बनना। अब जो अक्षर मोहम्मद है जो रसूल मोहम्मद है उस समय कौन आया पहले किसके पास भेजा, भाई अक्षर ग्रंथ तेरा दरबार है तू जा रही जाके सारी सजावट कर और दुनिया को सारी प्रकार की सूचना दे दे और लोग साथ को 40 साल तक उस सन का नाम मोहम्मद नहीं था, सुंदर चाली सात एक करके उसका नाम मुस्तफा बेग था, मोहम्मद मुस्तफा नहीं था,
कई सुंदरता परिवर्तन के जोश में आकर के मोहम्मद मुस्तफा पर तो उनका नंबर जीरो लगने वाला है, पहले बता रहा हूँ। जिसने मोहम्मद के साथ मोहम्मद मुस्तफा रख दिया, मुस्तफा पे उनके तन का नाम था पंडित अब्दुल्ला के वो सपुत्र थे, उनके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला था और मुस्तफा बेग उनके तन का नाम था। 40 साल की उम्र के अंदर अक्षर की आत्मा को जो है शिला की बड़ा जबरा की शक्ति को हुक्म दिया, लेकर के परमधाम आओ, उनकी आत्मा को लेके जाते हैं। लेकिन किताबों में क्या लिखा जाएगा, उनकी आत्म को दीदार हुआ कि मोहम्मद को दीदार हुआ, मेराज हुआ मोहम्मद को, बार हमारा नाम हो गया। अरे बाबा वो जो तन है वो ज्यों का त्यों अरब के ताल पर ही पड़ा हुआ था, ज्यादातर ना करी वाणी पढ़ो ना मतन करके तो भेज खुले। इतने देर में वो परमधाम जाके 90,000 बातें सुन के आ गए कि जिस ताल में से उन्होंने लोक का जनता लेके उलू करने लगे थे ना, जब सारी बातें करके आ गए तो अभी वो मक्के में देने के ताल का जाल नहीं लगा था। इतनी देर में परमधाम जाके 90,000 बातें करके सब कुछ करके वापस ले आ गए। यहाँ के कहने हम तो परम धाम के टाइम को गिनते रखते हैं। उनकी आत्मा को जो है जबराइल फरिश्ता लेकर के गया और योग माया की सतसरों में जाके खड़ा हो गया। अब अक्षर की आत्मा कहते चल आगे मेरे हुक्म से चल, लिखा क्या होगा मोहम्मद ने कहा मेरे हुक्म से चल। अब यहाँ मोहम्मद कौन बना हुआ है बोलो, अरे बोलो सुंदरदास बोलो, बुलवाऊंगा जबरदस्ती बुलवाऊंगा। यहाँ मोहम्मद कौन बना रहा है, अक्षर की आत्म को राशि का जोश परम नाम ले जा रहा है, वो जाकर के योग माया के सतसुर पे खड़ा हो जाता है। अब क्या वाणी ने लिखा है यही तो बुझाते हैं इसमें और कुछ बातें क्या है। तब मोहम्मद ने जबराइल को कहा मेरे हुक्म से चल, मोहम्मद कौन बोलो, अक्षर की आत्म कहते भी क्या तुम मेरे हुक्म से चल, आगे क्या अपना धर्म है। कहते हैं क्या करूं, नूर तजल्ला की तजल्ली जलावत मेरे पर, हुक्म तो आपके है पर मैं क्या करूं, आगे अल्लाह ताला के नूर का पेश जो है उसमें मैं नहीं कर सकता। तब कहा अच्छा मेरे हुक्म से चल, जब हुक्म दिया कदम उठाया तो सही 500 साल लग गए कदम नहीं लेकर, तब रब का दस्ता क्या मुसलमान जाने के रखा कर सकता, वो तो सोचते हुए बहुत बड़ा कष्ट होगा, अल्लाह ताला ने दे दिया होगा मोहम्मद रह के किसी जागृत बुद्ध रब का तत्ता क्या है, जागृत बुद्ध मिली जब जोश आ गया जागृत बुद्ध के जब मिलगी तो अक्षर का अपना की गणा करण आ गया, कर्म धाम तो इस पक्ष के नहीं आ गए जो क्या करेंगे नहीं ना मिलेंगे। अब यदि हम कर्म धाम घुसेंगे तो हमें क्या चाहिए, जागृत बुद्ध चाहिए, बस ये चीज है समझने की, ये चीजों को अच्छी तरह से व्यक्ति समझिए। इसीलिए चर्चा में ऐसे विषय रखे जाते हैं क्योंकि थोड़ा समय है, 15 में 11 भी हो गया तो कोई चिंता नहीं, और मन जहां है बात वही विधि पर सब काम होना है, 5 में क्या तो 5 रामा 5 ही होता है। अब यहाँ से जागृत बुद्ध गई तो अक्षर क्रम रोज जागृत बुद्ध के साथ ही प्रणाम करने जाता है तो वो दुआ नहीं कुछ पीछे जाता है, बोलो ना बहुत से खुल के बोला करो, जागृत बुद्ध तो सारे परम धाम में है और उसका मतलब अक्षर धाम है, कहां तक चला गया जान जप में खड़ा हो गया, वहां जागृत बुद्ध भी काम कर सकती नहीं। अब राजी का हुक्म आए, अब राजी ने अपने इष्ट के स्वरूप को भेजा, इष्ट की शक्ति को भेजा, अक्षर की आशंका गानों के सोना नहीं सुन सकता थी, ये बात है सामने वाली बड़े माताओं को जाएगा अच्छा नहीं लगता क्या बात है। राजी का क्या करा, वो दुश्मन नहीं है अपने ही, चिंता मत करो, अब उस आत्म में से जागृत बुद्ध को हटाकर राजी ने क्या दिया अपना इश्क। अब इश्क कहां लेके चलेगा बोलो, एकदम सीधा अपने घर में घुसेगा तो इश्क का घर कहां है, रंग लेके गए। आप राजी की आत्म श्यामा जी की आत्म या अक्षर की आत्म में को भेद है, तो आप अक्षर की आत्म में राजी का इश्क है तो जाकर के खड़ा जब राजी के सिंहासन के सामने हो गया तो राजी ने कहा मोहम्मद, क्या बता रहा मोहम्मद, देख तेरे दाएं हाथ पर तेरी उम्र रखी,
किसी ने समझा है सुंदर मोहम्मद देख तेरे दाएं हाथ पर मानो मैं यहां बैठा हूं एक किसान के लिए और किधर मेरे हाथ कोई बैठे होगा परम धाम में राजी के बाएं हाथ ही जो क्षमा बनाने हैं इसलिए दृष्टान दे रहा हूं सामने मोहम्मद का राजी का बाया हाथ है तो मोहम्मद का दाया हाथ है उसे कह रहे मोहम्मद देख तेरे दाएं हाथ पर तेरी उम्मत है इसका टोटल लगाओ क्या रिजल्ट निकलता है रिजल्ट लिखो अपने हाथ से राजी के बाएं हाथ कौन है और वो उनको कह रहे मोहम्मद को ये तेरी उम्मत है उसका दाहिना हाथ है नहीं समझ में आ रही सुंदर था अरे भाई अमृत जी इधर आओ भाई अरे क्या आएगी आज छह के बाद पूछते थे मुंह नहीं दिखता है जब करके दिखाते हैं जो आएगी आएगी आए कहां गई इन सब तो कहां गई इनकी गई है उनकी आएगी खड़े हो दाहिना हाथ उठा रही समय लग रही है अगर खुला कर दो तो उन तुम और मैं इनको देखेंगे उनको भी दिखाओ दाहिना हाथ के छोटे थे मेरे से इनकी बात करेगी अब यहां बैठी है श्यामा बनाने उनको कह रहा हूं देख भाई दाहिने हाथ इनका दाहिना हाथ कहा जा रहा है समाजी को जा रहा है किसका जा रहा है राज्य को कह रहे हैं तेरे दाहिने हाथ में तेरी उम्मत है ये मेरी नहीं है अब बताओ उसके और उसके अंदर क्या अंतर है अब बोलो अक्षर राजी है कि नहीं है और अक्षर हमें अच्छा नहीं हम अक्षर से समझे जैसे घटिया का कुछ अपराधी होगा पर उनका हमने रखा अक्षर ही राजी है राजी ही अक्षर है श्यामा की ही राजी है और राजी ही समाजी है कोई तीसरा है नहीं वहां हम समझ नहीं पा रहे इसलिए हम बुद्ध बने हुए और उन पत्थरधारियों के पीछे है जो है निकाल देने की हिम्मत तो करें जरा देखे तो सही क्या दूध पी करके संसार में आए थे वो बताएं उनके को पैदा हो चुका है स्वामी का रक्षा करने वाला एक दूसरा तन हमारा यहां पैदा हुआ उत्पन्न हुआ है तो ये स्वप्न अब इसका लिंक बोलो किसके साथ है बोलो बोलो इसको कौन देख रहा है अरे इतनी समझ हमें जब रात को स्वप्न आता है घर में हम होते सो जाते हैं कि जानते हैं जब स्वप्न आएगा बोलो पहले नींद आएगी कि स्वप्न नींद आया तो इस तन को बेहोश करेगी नींद के नहीं तो इसकी जितनी चाहना कामना जो कुछ भी है वही हमारे सपने वाले तन में जाके प्रवेश तो परम धाम की पूरी नजर पूरी चेतनताई का संबंध इसके साथ जुड़ा है कि नहीं अब राजीव राय की नजर कहां होगी जहां परम धाम के तनों की नजर आएगी अब वहां की वो आत्म वहां की रूह वहां की नजर जिस तन पे बैठी है बोलो उस पर राजी की नजर है बोलो राजी की कृपा है क्या कृपा मांगनी पड़ेगी या बिन मांगे ही बरसाते वो सुंदर साहब यहाँ के भगवानों के साथ घुटने तोड़ दो हजारों वर्ष कई तपस्वी तपस्या करके मर गए इनके दिल में दया आवे तो करते हैं और ना आवे तो मर जाए करोड़ों मरते रहते लेकिन मेरे राजी महाराज किसी से तपस्या तो नहीं करते किसी से ये तो नहीं कहते कि तू मेरे सामने अर्जी कर बिन मांगे हर समय जो है पल पल उनका काम ही अपनी रूहों के साथ लाड नजर और लज्जत देना है हक को और कछु काम नहीं हक को और कछु काम नहीं देवे रूह लाड लज्जत तो मांगा क्यों ना पड़ो ये तो हमने खेल मांग के लिया है तो परम धाम से भी ज्यादा लाड ज्यादा लज्जत हमको यहाँ देंगे कि नहीं देंगे पर सुंदर साहब हम तो गुम हो गए शनिचर राहु केतु के पीछे पहचानो अपने आप अपने यकीन को ऐसा अडिग कर लो सुंदर साहब अगर गोविंद सिंह के चार पुत्र अजीत और जुझार वास्ते देश के औरंगजेब का राज है चारों पुत्रों को जो है दीवारों में चुना जा रहा और उनको पता था कि हमारा पिता गोविंद सिंह देश के लिए कुर्बान हुआ दीवार में चुनने का हुक्म होता है पांव से चुननी शुरू हुई उनको लालसा दी जाती है तुम्हें बड़े अफसर बना देंगे तुम्हें ये कर देंगे
कहते कुछ भी करो हमें जल्दी जिंदो, हम भारत माँ के लिए मरना चाहते हैं, और गद्दारो हम तुम्हारे किसी भी तोहफे को स्वीकार नहीं करते। चिंते चिंते यहां तक दीवार आती, बच्चे बड़े नहीं बुद्धिमान बच्चे, बालपने की बात है गोविंद सिंह के बच्चों की, पूरा चिन्ह दिया जाता है। आज वो जाइए उनके प्रमाण पर, हम परम धाम के अरमान सुंदर साथ हम कौन है? अगर राज्य में आके रास्ते दलकती हुई शलाखों से तीर बिंदता है, बिंद जाने दो, मुंह से उफ ना करो, हम संत के राज्य में आके चरणों पे बना हो जाओ, आशिक बन के आ जाओ, कष्टों से डरते हो, इज्जतों के पीछे मरते डरते, सवार अपने आप हम कौन है? मुर्दा खेल हमारा बिगाड़ क्या सकता है? असल तंत्र हमारे परम धाम में है, सपने में कोई अगर मारता भी है हम नहीं मरेंगे, उस तनों तक हवा भी नहीं जा सकती। सपने में कई बार हम ड्रामे सीन देखते हैं कि शेर आया खा गया, आंखें खुलती शेर होता है क्या? इसी तरह से यहां पर बड़े बड़े ड्रामे सीन हमारे ईमान छीनने के वास्ते हमें गिराएंगे, लेकिन घबराना नहीं, तुम्हारे बाल को भी कोई दिन का कर नहीं सकता अगर तुम्हारा यकीन अधिक है। माया ऐसा विकराल रूप लेके आएगी कि तुम्हारा ईमान ना रहे, और यदि तुम्हारा ईमान पक्का है तो वहां ग्यारे धनी साए थाए प्यारे छाख मारे। स्वामी जी कहते हो सुंदरदास झाख मारेगी वहां माया, पर तुम्हारा यकीन जो है कभी डोलना नहीं चाहिए, हमेशा राजी मराय के सामने नजर रखो। सात चेतों के दो तनों का आसन मन सुनो, तन असल तले कदम के, और ये स्थान के बारे में कह रहे, और उपजा तन स्वप्न, ये स्वप्ने का तन हमें देखने को मिला, ताय भी हक ध्यान के साथ, वहां तो चरणों के तले ही है, लेकिन यहां स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ, ताय भी हक रहे नजीक, सपने के तन में भी बिल्कुल श्री राजीव महाराज तुम्हारे नजदीक, कितना नजदीक, शहर से भी नजदीक, इस तन के दिल को ही उन्होंने आके अर्श बना लिया, तो इस तन में और परम धाम के तन में क्या अंतर हुआ? अब विचारो, इतनी मेहर राजी की, इतनी मेहर राजीव महाराज की है कि हमारे इस नित्यक्ष नाभूम जिसके अंदर परम धाम की आत्म बैठी है उसके दिल को जो है अपना अर्श बना करके बैठ, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच स्वप्न, जो सपने का तन है उसको भी हमेशा अपनी नजर के तले अपनी मेहर के तले लेकर के शेरा जुड़ा बैठे हुए, नींद दिए गोते सुध बिना, सारे चुप क्यों हो जाते हो? दोहरा रहे क्या छेट भी नहीं आ रहे कल से घबरा, जैसे बैठे तो है पर सुन को गिरा कपाई को पकड़ो, क्या कहती है? तभी तो साफी कर रहा, नींद दिए गोते सुध बिना, या हमें गोते कौन दे रही है? हम गोते किसमें खा रहे हैं? नींद में। स्वामी ने करा था फिक्र में लिखा कि रूहें यहाँ गचुड़े खा रही हैं पानी के बिना, गिर रही हैं सीढ़ी के बिना, और बंदी बैठी है रस्सी के बिना। अपने चारों तरफ देखो क्या कोई रस्सी संगल लगा है? लेकिन हम मजबूर है ना घरों से निकलने के लिए, हरियाणा तो था मजबूरी थी, किसने बांधा था? किसी ने नहीं, पर बंधे हुए थे किसके साथ? बच्चों के मौत। हाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम गोते खा रहे हैं, किसके अंदर? नींद के, नींद के अंदर हम भूले, गोते खाने का मतलब भूले फिरते हैं, निज घर को भूल गए, अपने धनी को भूल गए, अपने आप को भूल गए, शरीर के अवगुणों को देख रहे। अरे बाबा मानो मेरी आत्म ने परम धाम में कोई चाहती है, जैसे स्वामी जी के तन के अंदर राज्य महाराज शर्मा जी बैठे, फिर भी परीक्षा ले रहे, फिर भी फेल करा रहे, तो राजीव महाराज और शर्मा जी अंदर बैठेंगे तो क्या आत्म ने जो डिमांड चाहना कर रखी है उसकी पूरी ना करेंगे? तो हम अगर वजूद की करनी और रहनी में चलेंगे तो सुंदर साहब रहनी उसकी ईमान से, तो
तब पता चले कि कौन किसके अंदर कहां पर खड़ा हुआ है। वजूदों को देख करके हमारा यकीन कभी किसी पर नहीं बैठेगा। आत्म को देखो जिसके लिए कहा भी महाराज श्री जी हमेशा फरमाते थे, जिन देखा मेरे वजूद को रहा बीच न सुन, और जिन देखा मेरी आत्म को जय पहुंचाना हो। क्या मतलब? आत्म के संबंध किसी को भी पकड़ोगे तो परम धाम नजर आएगा और वजूद को देखोगे एक इंसान नजर आएगा। वही बात भी तक में गई कि मैंने अपने ऊपर एक टोना कर रखा और दुनिया वाले मुझे समझे एक आदमी, इस वास्ते मेरे साथ आदमियों जैसा व्यवहार करते हैं और मेरे से दूर हो जाते। कहते मैंने ये टोना किया हुआ, क्या मतलब? कि अक्षरातीत होकर के मैं जानबूझ के एक इंसान के तन में आके बैठा हूं ताकि दुनिया वाले मुझे पहचान सके नहीं और मेरे अवगुणों को देख करके ही दूर होते रहे, तो कचरा सारा मेरे पले बन जाएगा, तो कहां तक इनके कचरे को टोड़ना। बोलो श्री प्राण साथ यही दो छुपैया करनी फिर दोहरा देंगे बाकी छह छुपैया कर। नींद दिए ये जो नींद माया, इसको हमने जो मांगा था वोते शुद्ध बिना, ये हमको वोते दे रही है, भुला रही है, राज्य से जुदा कर रही है, क्योंकि हमको अभी शुद्ध नहीं, हमारी आत्मा भी जागृत नहीं हुई। ये जो सपने का तन साफ कह दिया, ये जो सपने का तन है यही एक नींद का होता है जो हमें राज्य से दूर कर रहा है। दिन को भी हके ना छोड़िया, अब ध्यान के साथ के तन भी ऐसा कम रखते है जो राज्य से जुदा करता है, फिर भी राज्य में राजस्थान को नहीं छोड़ते, क्योंकि इसके अंदर भी उनकी आत्म बैठी हुई है, छोड़ेंगे। और एक जगह तो साफ ही कह दिया कि सुंदर था, तो बड़ी गहरी बात है, बड़े रस के भरे प्याले हैं, जरा जाग के कान भरे इधर उधर रखो, बस नजर इधर, मैंने तुम्हारे कानों से पूछ लिया, नजर इधर राज्य में राज्य मान के साथ दो। साफ चीज ए नित से नबूद तन रूहों के, निजस मैंने गंदे से गंदा, सड़े से सड़ा, लास्ट पॉइंट मतलब चरकीन नरक से भरा हुआ तन है। राजी कहते मुझे पता है, मैंने हुक्म दे के बनवाता हूं। निजस, निजस से कोई गंदे चीज के लिए और कोई शब्द नहीं होता कि इतना गंदा है, ये निजस है, नबूद है, मिट जाने वाला। निजस से नबूद तन रूहों के, पर रूहों धरे आकार, निस्बत जान वतन की, करत हूं इनसे प्यार, इसके प्यार। वही बात यहां है, तीन को भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन, कौन रात दिन हमारे सिर पर खड़ा है। अरे जब संदूक देखना है तो घबरा जाना है, वाणी के साथ वो कह रहे हो मेरे प्यारे सुंदर साथ, घबरा नहीं, मैं तुम्हें माया में लाया हूं तो तुम्हारे सिर पर मैं एक टांग पे खड़ा। एक टांग पे कौन खड़ा होता है? मालक के चौकीदार, चौकीदार के रात सुना देना तुम उसके सिर पर सुना कर। चौकीदार एक टांग पे, एक टांग का मतलब क्या कि सोवे नहीं है, सतर्क होकर के फेरा मार कर देता है, उसको कहते हैं एक टांग पर फेरा देना, खोलो जरा अभी तक साथ, अरे सुनने भी तक, हाँ हर साल सुनते हैं होली भी तक, खोलो बड़ी पार्टी। स्वामी जी कहते हैं मोहनो तुम अपना यकीन, बारह मोहनों को चिट्ठी लिखते हैं कि जिस यकीन के साथ तुम जेल में गए थे, सदा इसी यकीन पे खड़े रहना तो मैं तुम्हारे सिर पर एक टांग में खड़ा पहरा देता हूं। अब वही बात है कि मोमनो भले ये तन तुम्हारा यहां का है पर इसको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके अंदर मेरी परम धाम की आत्म जो बैठी है, इसलिए मैं एक टांग पर पहरा दूंगा, तुम्हें इतना कष्ट नहीं। मंगल संगम वहां कहते हम डर जाते हैं बेबियों से, देव तो अरे भ्रूत सुंदर साथ और हमारे पास आते हैं, महाराज जी देख रहे इसको ओपरी तो नहीं ओपरी, भूत प्रेत लो जहां राज्य के नगर है वहां प्रणामियों को ओपरियां खा रही, क्यों? आजकल ऐसे कमबख्त शरीर हो गए, ऐसी कमबख्त ये यूरिया खाद होगी और ऐसी कमबख्त डॉक्टरों की गोलियां आधा किलो की होगी, कलेजे को देते हैं सड़ा, नींद आती नहीं, आदमी घबराया रहता है, पति देव क्या समझते मेरी प्यारी प्यारी पत्नी को भूत प्रेत चिपट गया,
ओ मेरे सुंदर साथ, कुछ राज्य के लिए अपने आप को संभालो, कुछ अपने यकीन को काबू में रखो, शरीरों के पुतलों के दीवाने ना बनो। दीवाना बनना है तो अपने राज्य का उन पर कुछ यकीन रखो। अगर उन्होंने ये परिवार वाले हमको दिए हैं तो इस परिवार से हमें संसार का दुख भी मिलेगा और संसार का सुख भी मिलेगा, पर वो क्षण विवश है। असल सुख का खंड जो है वो राज्य के चरणों के बिना तुम्हें और कहीं मिलने वाला नहीं है, इसको यकीन में रख लेना। तीन को भी हक्के, इन तरह का वर्णन हो रहा है, तीन को भी हक्के ना छोड़िया। राजी ने वाणी लिखी है प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के दुरा के, ये शब्द प्रण किसी गुरु महाराज या किसी राइटर कविता के नहीं है। सिर पर रहे रात दिन, अब भी भाई जिनका यकीन पक्का ना रहे वो विशाख मंगल नहीं से निश्चर के पास चला जाए, फिर मुझे पता हो। इतनी वाणी सुनने पर भी सुंदर साजी यदि इतना भी यकीन श्री राज्य महाराज पे नहीं है और मिथ्या माया की इन भूत प्रेतों की प्रकृति के गुणों को लेते हो तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। बिन अंकुरे क्या करें, सुख लिखिया न ताले, फिर तुम्हें वो परम धाम के सुख नसीब कहां हो सकते हैं। उम्र अव्वल से आखिर आखिरी भाई, क्योंकि समय भी हो गया। उम्र अव्वल से, अव्वल से कौन सी उम्र, अरे ब्रिज से परम धाम जाने तक ये हमारी खेल की उम्र है, तुम तनों की उम्र ना गिनने बैठ जाओ। उम्र अव्वल से आखिर लग गुजरी साई संग, संग किसके रहे, लेकिन हम क्या बने रहे, सेवा पूजा राजी महाराज की, लड्डू पेड़े गणपति मंगलम स्वाहा, इत्रम दत्तम रक्षा मंगलम पूजनम स्वाहा। स्वागत नार किसकी कराए, राजी महाराज की, और काम कौन से किए अपने दिलों से पूछो। उम्र अव्वल से आखर लग, अरे गुजरी साई संग, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, के राज्य महाराज के इश्क की अदाएं, राज्य महाराज के इश्क की अदाओं को मैंने नहीं पहचाना, कि वो लाड भी करेंगे तो किस किस अजीब तरीके की, वो बचपन से ही यानी ब्रिज से ही हमारे साथ जो है इश्क करते तो रहे, लेकिन नखरों के साथ करते रहे, हमने उनको पहचाना। जैसे लाड लाड में ही बच्चा कुलाडला हो जाता है ना, इसलिए हम वो लाड लाड करते रहे, हम कुलाडले बन गए। अब उन्होंने फिर लक्ष्य पकड़ा पानी का, तो भाई ऐसे तो काम करे तुम, ऐसे तो इन बिल्कुल काबू भी नहीं आ रही, तो फिर अब लक्ष्य पकड़ा के अब करता हूँ सीधे हाथ को देखो इनके। फिर देखते हैं तो इतनी वाणी सुना करके सीधा नहीं होता, कहते जबराइल कर दे जरा सत्यानाश इसका। हाँ राजी कराते हैं सत्यानाश, घबराए सारे, कहते ऐसे भी राजी कराते। हाँ तो भाई सुनो भाई, दे नुकसान तोड़े गुमान, लाड लाड नहीं, एक बच्चे को सुहाता तो माँ चुप्पे से क्या करती है, क्यों थप्पड़ मारते, क्यों थप्पड़ मारते हो, जब देखते हो कि भाई इतने लाड कर रहे, इतने खिला रहे, सारा काबू में आता धे और रो रहा फिर भी धे और तो राजी करता, तुम्हारे साथ लाड करते नहीं। आखिर घर चलने का समय आ गया है, जब तक माया से छुड़ाएंगे नहीं, सीधा साधा करेंगे नहीं, तो घर कैसे लेके चलेंगे। ओ भाई राजी खुशी सुनते हो तो, राजी खुशी हो तो सुनते हो, बहुत लाड़ कर दिया ब्रिज से रास में, यहाँ तक भी अगर सीधे साधे राजीव राज की तरफ नजर कर लो सुंदर साजी, नहीं तो राजीव राय बड़े को बैठे बड़ा स्टेट धार देखे ध्यान के साथ साथ ये तो करके जरा मरमपट्टी वाली छपाइयों में सुनते रहो कि वो कैसे करते। धनी न रखे
किसी का गुमान और तो गरीबों पर ले गरीब बन जाओ अहंकार से बाहर तोड़ देंगे तुम्हारा गुण जो माया के नशे में बैठे हुए हो अहंकार में जो तुम आया बैठा है एक मिनट में सीधा कर क्योंकि उन्होंने हर निर्मल करना है और वक्त अपने आकृत आ गए और लेके अपने घर बोलो क्या बहुत लाड़ के इंद्रावती कहती मैंने भी पहले अपने राजीव राय के इश्क की तरंगे तरंगे का मतलब अदाएं के हामद किसके तरह से जो है मेरे साथ मेरा धनी लाड़ प्यार करके माया भी दिखा रहे और हमको भी निकाल रहे थे पर मैंने उनके लाड़ को समझा नहीं मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग जान के साथ जो बात करनी है हक के वो उनके लाड का तरीका बता रहे कहते एक लाड तो मैंने क्या देखा कि करना तो होता है उन्होंने खुद लेकिन दिल में वो हमारे वादे के और हमारे से डिमांड नोटिस दिलवा देते हैं कि मेरे खानों साहब ये तो नहीं समझे नहीं समझे खेल दिखाना चाहते थे खुद मंगवाया किन से ठेका किसका गुनाह पैसे पैदा दिया ये तरीका बता रहे कि मेरे मेरे उस लाडले महबूब जो है उनकी अदाएं ये इश्क की अदाएं कि जो कुछ वो पहले करना चाहते हैं वो खुद नहीं करते वो हमारे दिलों में भर देते हैं और फिर दिल के साथ तड़प लगा देते हैं हम उनसे मांग लेते हैं दिखानी उन्होंने खुद होती है गुनाहगार किसको बना देते हैं ये इश्क है ये है इश्क का खेल ये है लाडली और हमें बेहोशी के अंदर होश नहीं रहती जो बात करनी है के सो पहले ले माहे दिल पीछे सब में बस रे जैसे राजीव राय ने दिल में लिया चुपके से उसको किसके जो राजी के दिल में आई वो तो सबके दिल में आके पसर जाती है जो वाहिदत में असल जो वाहिदत का तरीका है इस तरह से खेल बनता है अब जो भैया पांच बाकी है वो कल करेंगे तीन मिनटों तक समय बहुत ज्यादा बढ़ेगा ऐसे प्रसंग को याद रखना इसी कपड़े को लेकर के कल लिंक बनेंगे जो वाहिदत में असल जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल Thank you.